हेलो अंग्रेजी रीडर्स, हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने फाइनाइट वर्ब कवर किए। अब इस वीडियो में हम नॉन फाइनाइट वर्ब के अंदर जेरंड क्या होता है वो जानेंगे। जेरंड इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। जेरेंड में वर्ब का स्ट्रक्चर होता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वर्ब नाउन की तरह एक्ट करता है। हमें पता है एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं। अब अगर कोई वर्ड वर्ब है तो वो नाउन की तरह कैसे बिहेव कर सकता है? लेट्स लर्न दिस विद एग्जाम्पल्स। सिंगिंग इज माई फेवरेट हॉबी। अब यहाँ वर्ड सिंगिंग एक क्रिया है तो हम इसे वर्ब कहेंगे, लेकिन यहाँ ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। सेंटेंस में सिंगिंग जो कि एक एक्शन है वो परफॉर्म नहीं हो रहा है, लेकिन सिर्फ उसकी बात हो रही है, इसलिए ये एक नाउन है। अब सिंगिंग यहाँ एक नाउन की तरह यूज हुआ है और इस वर्ब पे आईएनजी भी है तो ये कहलाता है जेरंड। ही इज सिंगिंग। इस सेंटेंस में भी सिंगिंग का यूज हुआ है बट ये जेरंड नहीं है क्योंकि सिंगिंग यहाँ नाउन की तरह बिहेव नहीं कर रहा, यहाँ पर ये एक्शन वर्ड है। कुछ और एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं। हिज जॉब इज ड्राइविंग अ बस। इस सेंटेंस में ड्राइविंग एक वर्ब है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई ड्राइविंग नहीं कर रहा है और ड्राइविंग की सिर्फ बात हो रही है, इसलिए ये वर्ड यहाँ एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। तो इस सेंटेंस में ड्राइविंग एक जेरंड है। जेरंड सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज हो सकता है। जेरंड एज सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। राइटिंग इन इंग्लिश इज डिफिकल्ट। Here writing is a gerund used in place of a subject. Some more examples. Eating too much is unhealthy. Dancing could be a good exercise. Gerund as object in a sentence. I love playing cricket. Is sentence mein playing ek gerund hai जो कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्लेस पर है। फ्यू मोर एग्जाम्पल्स। ही इंजॉयज हाइकिंग। आई लव गोइंग आउट। जेरंड कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्ट तो हमें पता है बट सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है? ऐसे नाउन्स जो लिंकिंग वर्ब्स के बाद आते हैं उन्हें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाता है। लिंकिंग वर्ब टू बी वर्ब्स के फॉर्म है विच इज एम आर वॉज वर। जेरंड का यूज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। वन ऑफ हिज वर्क इज क्लीनिंग द हाउस। यहाँ क्लीनिंग एक जेरंड है जो कि इसके बाद आया है, इसलिए इसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहा जाएगा। Some more examples. His favorite hobby was dancing. Our main job is doing homework. Gerund as an object of preposition. जब भी कोई gerund as a object use होता है लेकिन उसके पहले एक preposition है तब हम उसे gerund as a object of preposition consider करते हैं। For example, I am interested in collecting stamps. Collecting यहाँ एक gerund है जो in के बाद use हुआ है। इसके कुछ और examples हैं। I am thinking about living in Europe. Thank you for selecting my team. So this is all about gerunds. Do like the video
and continue to watch finite and non-finite series.